हेलो फ्रेंड्स, टेक भारतीय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले मुख्यमंत्री उद्यम योजना की नई अपडेट के बारे में। जी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बिना जीएसटी के करेंट अकाउंट कैसे खुलेगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बैंक वाले से बात किया, अर्थात इसका लाइव कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। साथ ही यहाँ पे उद्योग विभाग का क्या जवाब है उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा इसका क्या समाधान जिसके माध्यम से बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आपका करेंट अकाउंट खुल सकता है, अर्थात आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे जानिए बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के करेंट अकाउंट कैसे खुलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर आ रहा है। तो देखिए, इसके लिए मैंने बैंक वाले से बात किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बैंक वाले का कॉल रिकॉर्डिंग सुना देते हैं, उसके बाद यहाँ पे उद्यम योजना के द्वारा क्या क्या चल रहा है उसको सुनाएंगे, और तत्पश्चात यहाँ पे जो क्या इसके नियम और तरीके होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहले यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं। एसबीआई में आपका स्वागत है, मैं आशीष, आपको क्या सहायता कर सकता हूँ? जी सर नमस्कार। सर मैं पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मेरा सिलेक्शन हुआ है और उसमें करेंट अकाउंट मांगा जा रहा है फॉर्म के नाम से, तो सर अगर जीएसटी नहीं है तो करेंट अकाउंट खुल सकता है क्या? देखिए, ये अकाउंट के रिगार्डिंग जो है ना, आप जानकारी जो है बेहतर ले पाएंगे आपके ब्रांच से, जो आपका ब्रांच जहाँ से आपका है होम ब्रांच या फिर जहाँ से आप अपना अकाउंट खुलवाएं, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट करिए और उनके साथ संपर्क करिए, वे आपको इस विषय में पूरी जानकारी देते हैं। सर आप लोगों के माध्यम से नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आप जो है ये सारे डिटेल्स जो बेहतर आप वहाँ से मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपको प्रोसेस कर रहा हूँ। जो बैंक का जो नियम होता है ना, कई बार यहाँ पे स्टाफ लोग जो होते हैं ना बैंक का, वो सही से बात नहीं करते हैं सर जाने पर जल्दी। जी, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे होगा, बता देते तो उन लोगों को मैं बताता हूँ, वैसे वहाँ से बताया गया है। क्योंकि आपका कॉल लैंड के अकाउंट से नेगेटिव काम है जी, आपको इस विषय में आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं देता हूँ क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन हाँ जरूर मैं आपको करेंट अकाउंट जो है इसके रिगार्डिंग हमारे जो डिपार्टमेंट है उनका मैं नंबर दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली कॉल करके जैसे हमें कॉल की विषय में जानकारी के लिए अभी अपने यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग सुना है। यहाँ पे मैंने कस्टमर केयर वाले से बात किया, यहाँ पे एसबीआई के कस्टमर केयर से मैंने बात किया, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने इस तरह के जवाब दिया, फिर मैंने उसी नंबर पे दूसरे व्यक्ति से बात किया, तो ये शायद यहाँ पे क्या करते थे गूगल से खोजकर और बोल रहे थे, यानी बोल रहे थे स्पष्ट नहीं था, तो उसको मैं सुनाऊंगा तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, ठीक है। यानी वो भी अंत में बोल रहे थे, लास्ट में जब पूछे तो वो भी बोल रहे थे कि आप बैंक विजिट कर लीजिए। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे उद्यमी योजना के वेबसाइट पर जो कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है उस पर मैंने कई बार यहाँ पे बात करने का प्रयास किया, बट हर बार यहाँ पे बिजी बता रहा था, ठीक है। पहले तो लग नहीं रहा था, बाद में बिजी बता रहा था, उसके बाद यहाँ पे कॉल ऑटोमेटिक कट जा रहा था, फिर नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पे इसके बारे में रिसर्च की, तो पता चला यहाँ पे बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी आपका करेंट अकाउंट खुल सकता है। तो कैसे खुलेगा, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अर्थात उद्योग आधार की वेबसाइट पर जाकर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लेना है, या बिल्कुल फ्री होता है, इस तरह के आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब ये लेकर जाएंगे ना तो आपको बैंक यहाँ पे करेंट अकाउंट खोलने से मना नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और सर्टिफिकेट आपसे मांग कर सकता है, जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे उद्योग आधार के पोर्टल से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, दूसरा आप दे सकते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिश्ड रजिस्ट्रेशन होता है, अर्थात यहाँ पे बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का इसका एक भी रुपया नहीं लगता, अर्थात यहाँ पे बिल्कुल फ्री में होता है, जीरो रुपया चार्ज लगता है, और लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समय लग सकता है, दो चार दिन सप्ताह दिन समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर समय नहीं दिया गया। और दूसरा यहाँ पे आता है शॉप लाइसेंस, इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से अर्थात यहाँ पे सर्विस प्लस वेबसाइट है ना जो बिहार सरकार का, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप विजिट करके, ठीक है, और वहाँ पे अपना शॉप लाइसेंस बनवा सकते हैं। जैसे ही शॉप लाइसेंस बन जाएगा तो इन दो सर्टिफिकेट को आप लेकर जा सकते हैं। और अगर आपको शॉप लाइसेंस नहीं बनवाना है, मान लेते हैं कि किसी का फूड का यानी होटल खुलना है या फूड से संबंधित खाने पीने से संबंधित कोई भी व्यवसाय है, तो ये अपना क्या करेंगे यहाँ पे फूड लाइसेंस बनवा लेंगे, अर्थात यहाँ पे दो ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, यानी यहाँ पे जो तीन मैंने डॉक्यूमेंट बताया, नंबर वन यहाँ पे मैंने बताया एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, दूसरा यहाँ पे मैंने बताया शॉप लाइसेंस, और तीसरा यहाँ पे फूड लाइसेंस, यहाँ पे इस तीनों में से कोई दो लेकर आप जाएंगे सर्टिफिकेट तो आपको बैंक कभी भी माना नहीं कर सकता, और ऐसे के लिए जीएसटी मांग नहीं करेगा और 100% आपका यहाँ पे करेंट अकाउंट खुल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने कई जगह रिसर्च किया तो सभी जगह यही पता चला कि इसी माध्यम से यहाँ पे करेंट अकाउंट खुल जाएगा बिल्कुल आसानी से, लेकिन मैं बता दूँ यहाँ पे थोड़ा सा समय लग सकता है, यहाँ पे फूड लाइसेंस में भी आने में लगभग 7 दिन लग सकता है, यानी 7-7 दिन के अंदर में लगभग समय लगता है। अभी ये नहीं कि एक बन जाएगा उसके बाद दूसरा बनवाना नहीं, एक साथ ही सभी का अप्लाई आप कर सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड डिटेल्स डालकर आप अपना यहाँ पे शॉप का रजिस्ट्रेशन अर्थात शॉप लाइसेंस या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या यहाँ पे फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फूड लाइसेंस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे एक साल के लिए अगर आप कराते हैं तो 100 रुपया लगता है चार्ज, 2 साल के कराते हैं तो 200 रुपया, इस तरह से करके यहाँ पे आपको चार्ज लगता है। तो इस प्रकार से आप में से बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे करेंट अकाउंट कैसे खुलता है। अब अगर आपका भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसा करता है वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।
हूँ।